अमेरिका में कोई बच्चा जब बाहर जा रहा होता है तो उनकी मॉम उनके बैग में सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ, टिकट्स रख देती हैं। और जापान में जब कोई बच्चा बाहर जा रहा होता है तो उनकी मॉम उनके बैग में फोन रख देती है ताकि अपने बच्चे से वो कांटेक्ट में रह सके। और हमारे इंडिया में जब कोई बच्चा बाहर जा रहा होता है तो उनकी मॉम खाने के लिए लेज, कुरकुरे, पॉपकॉर्न और बहुत सारे चिप्स रख देती हैं ताकि उनका बच्चा भूखा ना रहे। ऐसी होती है हमारी केयरिंग इंडियंस मॉम। हमारी इंडियंस मॉम सब कुछ भूल सकती है लेकिन अपने बच्चे को खाना खिलाना नहीं। हमारे इंडियंस मॉम के लिए एक लाइक तो बनता है, इसलिए कहते हैं ना, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। अमेरिका में जब मॉम और उनका बेबी दोनों ही थक जाते हैं तो वो लोग किसी तरह से धीरे धीरे अपना सफर तय करते हैं। और जापान में जब मॉम और उनका बेबी दोनों ही थक जाते हैं तो उनकी मॉम बेबी को गोद में थोड़ा देर के लिए ले लेती है, फिर उसके बाद पैदल चलाती है और फिर उसको गोद में लेकर ऐसे ही दोनों अपना सफर तय करते हैं। और हमारे इंडिया में जब मॉम और उनका बेबी दोनों ही थक जाते हैं तब भी मॉम उन्हें अपने गोद में ले लेती है, अपनी थकान की फिक्र नहीं करती। ऐसी होती है हमारी इंडियंस मॉम। अपने बच्चे को अपने से पहले रखती है। हमारी इंडियंस मॉम के लिए एक लाइक तो बनता है, इसलिए कहते हैं ना, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। अमेरिका में जब मॉम सो रही होती है और उनका बच्चा नहीं सोता तो उनकी मॉम कुरकुरे पॉपकॉर्न उसे खाने को दे देती है और फिर वो सो जाती है। और जापान में जब मॉम सो रही होती है और उनका बच्चा नहीं सोता तो उनकी मॉम उन्हें फोन में कार्टून लगा के दे देती है और फिर वो सो जाती है। और हमारे इंडिया में जब मॉम सो रही होती है और उनका बच्चा नहीं सोता तो वो खुद नहीं सोती जब तक उनका बच्चा ना सो जाए। ऐसी होती है हमारी इंडियंस केयरिंग मॉम। पर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर, कोई नहीं। हमारी इंडियंस मॉम के लिए एक लाइक तो बनता है, इसलिए कहते हैं ना, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। अमेरिका में जब मॉम अपने फोन में बिजी रहती है तो वो बच्चे पर ध्यान नहीं देती और बच्चा अकेले ही जाने लगता है। और जापान में जब मॉम अपने फोन में बिजी रहती है तो वो अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेती है ताकि बच्चा ना खोए। और हमारे इंडिया में जब मॉम अपने फोन में बिजी रहती है तो वो अपने बच्चे को गोद में ले लेती है ताकि उनका बच्चा कहीं ना जाए। ऐसी होती है हमारी इंडियंस मॉम। चाहे वो जितना भी बिजी हो अपने बच्चे की फिक्र करना नहीं भूलती। हमारी इंडियंस मॉम के लिए एक लाइक तो बनता है, इसलिए कहते हैं ना, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। जब मॉम अपने बच्चे को खाना देती है और बच्चा कहता है कि खाना आप कम कर दो, मैं इतना नहीं खा पाऊंगी, तो मॉम जाके उसके खाने को हाफ कर देती है। और जापान में जब मॉम अपने बच्चे के लिए खाना लेकर आती है और बच्चा कहता है कि मैं इतना खाना नहीं खा पाऊंगा, इसे आप कम कर दो, तो मॉम उसके खाने को थोड़ा सा कम कर देती है। और हमारे इंडिया में जब मॉम खाना लेकर आती है और उनका बच्चा कहता है कि मैं इतना खाना नहीं खा पाऊंगा, आप इसे कम कर दो, तो हमारी इंडियन मॉम खाने को कम नहीं करती। देखिए क्या करती है। क्या आपकी मॉम भी ऐसा करती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारे इंडियन मॉम के लिए एक लाइक तो बनता है, इसलिए कहते हैं ना, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। अमेरिका में जब मॉम का अचानक फोन आ जाता है तो वो अपने बच्चे को एक जगह पे खड़ा कर देती है और वो अपने फोन में बिजी हो जाती है।
और जापान में जब अचानक से मॉम का कॉल आ जाता है तो वो अपने बच्चे को कुछ खाने की चीजें दे देती है और फिर वो अपने फोन में बिजी हो जाती है। और हमारे इंडिया में जब अचानक से मॉम का कॉल आ जाता है तो वो कॉल उठा के बोल देती है कि वो बाद में बात करेगी और वो अपने बच्चे के साथ वो टाइम एंजॉय करती है। ऐसी होती है हमारी इंडियंस मॉम, वो सबसे पहले अपने बच्चे को रखती है। हमारी लविंग केयरिंग इंडियंस मॉम के लिए एक लाइक तो बनता है। इसलिए कहते हैं ना, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट।